हे गाइस दिस इज कपिल का वेलकम बैक टू वंस अगेन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ए आइन तो आज आपको केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कराएंगे अपने इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एमाइंस एक्ट एज ए न्यूक्लियर फाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए नाइट्रोजन अब देखिए बेसिकली पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो एमाइन है एमाइन का फॉर्मूला हमारे पास एन एच टू ये किसकी तरह एक्ट करेगा न्यूक्लियर फाइल की तरह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर सेकेंड हमारे पास द प्राइमरी सेकेंडरी ट्रसरी सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए रिएक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम अटैच टू ए नाइट्रोजन तो देखिए इस केस में बच्चों हमारे पास जो प्राइमरी अमाइन है उसके अंदर एन एच टू सेकेंडरी में हमारे पास एन एच और ट्रसरी में सिर्फ ओनली एन अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ए रिएक्शन शो करते हैं बिकॉज किसका रीज़न क्या दोगे कि नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम अटैच टू ए नाइट्रोजन की जो नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम हैं वो बेसिकली अटैच होते हैं किसके साथ नाइट्रोजन के साथ अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेसिसिटी ऑफ ए एल्काइल एमाइन अब जो बेसिसिटी की यदि बात करें तो हमारे पास अमाइंस आर ए बेसिक इन नेचर जो एमाइन होते हैं बेसिकली वो किस नेचर के होते हैं बेसिक नेचर के एंड दे फॉर्म ए साल्ट वैन रिएक्ट विद एसिड और किसकी फॉर्मेशन देंगे वो साल्ट की फॉर्मेशन देंगे जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं सो दिस इज़ ए प्राइमरी अमाइन अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने यहाँ पर हेलाइड के साथ ये हमारे पास क्या है दिस इज एलाइड अब इसके हाइड्रोजन हैलाइट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसके ऊपर प्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन के पास तो ये किस पे अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा आर एन एस थ्री पॉजिटिव एक्स नेगेटिव तो ये हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन आ गई अब इसी केस में आप देख सकते हैं एनालिन लेके चले उसकी रिएक्शन आपने एच के साथ कर दी तो हमारे पास ये क्या है एसिड दिस इज ए बेस तो किसकी फॉर्मेशन देगा साल्ट की तो यहाँ पर एन थ्री पॉजिटिव और सी नेगेटिव बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे एनिलिनियम क्लोराइड नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर कि अमाइन सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद अब ट्रीटमेंट किसके साथ करा दिए यहाँ पर विद ए बेस लाइक इज ए एन गिव बैक टू द पेरेंट्स एमाइन तो किसकी फॉर्मेशन देगा वो वापस पेरेंट एमाइन मतलब एमाइंस की फॉर्मेशन देगा अब हमारे पास हमने ऊपर जस्ट बनाया था आर एन एच थ्री एक्स नेगेटिव अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया आपने बेस के साथ एन यू एच क्यू एच के साथ तो हमारे पास ओ एच नेगेटिव तो क्या बन गया आर एन एच टू प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेगा यहाँ से हमारे पास एक्स बाहर निकल जाएगा एक्स हमारे पास कोई भी हेलिजन हो सकता है अब इसके अंदर कि द साल्ट ऑफ ए एमाइंस आर सोलेबल इन वाटर जो साल्ट होता है बेसिकली एम्स का वो पानी के अंदर सोलेबल होता है बट इन सोलेबल इन ए ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक इज ईथर बट ये इन सोलेबल किस में होता है बेसिकली ईथर के अंदर जो हमारे पास है इनऑर्गेनिक सोलवेंट उनके अंदर ये डिजोल्व नहीं होता द फॉर्म ऑफ ए एमोनियम साल्ट वैन रिएक्ट विद ए मिनरल एसिड जो हमारे पास एमोनियम साल्ट है जैसे ही हमने उसको रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ मिनरल एसिड के साथ अब इस केस में अमाइन बिहेव लाइक एज ए किसकी तरह बिहेव करता है ये लूस बेस के साथ लूस बेस की तरह एक्ट करता है ड्यू टू द अनसेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए नाइट्रोजन एटम क्योंकि नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं अब ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ ए के बी एंड पी के बी वैल्यूज पहला हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ ए के बी यदि वैल्यू किसकी के बी की लार्जर होती है और ए स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए पी के बी स्ट्रोंगर इज द बेस उतना ही क्या होगा बेसिकली स्ट्रोंग बेस होगा तो प्राइमरी अमाइन लेके चले वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दी तो हमारे पास यहाँ से ओ OH एच नेगेटिव तो बाहर निकलेगा और एक एच किसके साथ अटैच हो जाएगा इस एन एच टू के साथ तो हमारे पास बनेगा आर एन एच थ्री पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव अब इस केस में हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर के के अकॉर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से हमारे पास के क्या है यहाँ पर कॉन्सटेंट है अब इस केस में क्या है हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या करते हैं रिएक्टेंट तो कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अब ये वाटर मॉलिक्यूल को के के पास लेके चले जाते हैं इधर इस केस में बच्चों तो हमारे पास क्या बनेगा दिस इज ए के बी बन जाएगा और ये सेम एज इट इज रह जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इसकी वो इक्वेशन क्या बनेगी पी के बी इज इक्वल टू तो माइनस लॉग के बी अब जो हमारे पास पी के की वैल्यू होती है पी के वैल्यू पे अमोनिया इज ए फोर पॉइंट सेवन फाइव अब इस केस में जो एलिफेटिक एमाइंस आ रहे हैं स्ट्रोंगर बेस ये हमारे पास क्या है स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया से ड्यू टू द क्या रीजन दोगे प्लस आई इफेक्ट ये हमारे पास क्या है प्लस आई इफेक्ट को शो करता है ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए नाइट्रोजन एटम तो सिंपल सा समझ के रखना आपने अभी आपको बताया मैंने लार्जर द वैल्यू ऑफ किसकी लार्जर वैल्यू होगी के बी की स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए पी के बी उतना ही हमारे पास स्ट्रोंगर पीस होगा सेकेंड हमने आपको यहाँ पर बताया जो पी के भी वैल्यू है अमोनिया की वो कितनी है फोर पॉइंट सेवन फाइव और जो एलिफेटिक एमाइंस हमारे पास स्ट्रोंगर बेस है किससे एज कम्पेयर ऑफ ए अमोनिया से तो वो क्या शो करेगा प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर बेसिकली बच्चों कि इन ए गैसियस फेस यदि गैसस फेस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ए बेसिसिटी क्या होगी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसकी बात कर रहे हैं गैसेस फेस की

अब इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी आइन्स की वो किसकी ज्यादा होगी जब हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ बात करते हैं तो प्राइमरी एमाइन इज ग्रेटर देन ए सेकेंडरी एमाइन इज ग्रेटर दैन ओपे ट्रसरी एमाइन कि विच इज़ अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट ये बेसिकली किसके अपोजिट होगा इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन द ऑर्डर तो यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर हमारे पास हम क्या लेके चले आर एन एस थ्री है वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं यहाँ पर तो प्राइमरी की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एज कंपेयर टू द ट्रसरी अब इस केस में हमारे पास इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इज ए बीगर यदि हमारे पास एल्काइल ग्रुप बीगर है देन किससे मिथाइल ग्रुप से कि देयर विल बी ए स्टेरिक हिंड्रेंस तो वहां पर क्या आ जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस टू ए एच बॉन्डिंग के लिए याद रखना इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देर फोर द चेंज द नेचर ऑफ ए वो चेंज कर देता है किसकी नेचर को जो अलकाइल ग्रुप है उसकी नेचर को चेंज कर देता है नेक्स्ट इसी के अंदर एक पॉइंट मैंने राइट डाउन किया कि हैंस दे थ्री इफेक्ट तीन इफेक्ट कौन कौन से आए हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट सॉल्वेशन इफेक्ट और उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस अब ऑफ ए अल्काइल ग्रुप वर्क टुगेदर ये तीनों हमारे पास इफेक्ट क्या करते हैं एक जैसा कार्य करते हैं और डिसाइड करेंगे बेसिकली किसको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलकाइल एम आई इन एक्वा स्टेट को तो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर यह पूछा जाता है कि गैसेस स्टेट के अंदर क्या होगी एक्वा स्टेट के अंदर क्या होगी अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो स्ट्रेंथ है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ए बेसिक जो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं इनकेस ओ पे मिथाइल सब्सिट्यूटेड एम इन एक्वा सोल्यूशन अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहां पर राइट डाउन कर रखा है तो हमारे पास मिथाइल सब्सिट्यूटेड एमाइंस की बात करें एक्वा सोल्यूशन में तो सेकेंडरी ये हमारे पास है दिस इज ए सेकेंडरी एनएच है तो दो मिथाइल ग्रुप लग गए तो सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी अमाइन ये हमारे पास प्राइमरी है मिथाइल सब्सटीट्यूटेड की बात कर रहे हैं तो उसके बाद ट्रसरी अमाइन इज ग्रेटर देन ऑफ ए अमोनिया यदि हम बात करें बेसिकली इथाइल सब्सिट्यूटेड ग्रुप की द ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ ए इथाइल सब्सटीट्यूटेड ग्रुप इन ए बेसिकली एक्वा सोल्यूशन के अंदर तो इसमें हमारे पास जो सीरीज बनेगी सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए ट्रसरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए एमोनिया तो ये हमारे पास सेकेंडरी क्या पड़ा है यहाँ पर इथाइल एम उसके बाद ये ट्रसरी हमारे पास क्या पड़ा है इथाइल एम और ये हमारे पास प्राइमरी तो ये सीरीज आपने याद करनी है अपने एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट हमारे पास है बेसिसिटी ऑफ ए एरोमेटिक एमाइन के लिए कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी हमारे पास एरोमेटिक के अंदर वो किसकी ज़्यादा होगी अमोनिया की एज ग्रेटर देन ऑफ एरोमेटिक एन एच टू इज ग्रेटर देन ऑफ ए दो एरोमेटिक हमारे पास और एनएच के साथ अब इसके अंदर सेकेंड पॉइंट मैंने क्या राइट डाउन किया आप सभी के लिए तो ध्यान देखना इसको कि एरोमेटिक एमाइंस आर ए वीकर बेस जो हमारे पास एरोमेटिक एमाइंस होता है वो वीकर बेस होता है दैन किस से एमोनिया से कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विद नेचर ऑफ ए अरायल ग्रुप जो हमारे पास अरायल ग्रुप होता है उसकी जो नेचर होती है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग नेचर होती है अब इस केस में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है जैसा कि हमारे पास एनालिन की आप रेजोनेंस देख सकते हैं तो ये हमारे पास एनएस टू है बेंचिन के साथ तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अटैक करेंगे किसके ऊपर इसके ऊपर तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करैक्टर को शो कर देता है इस केस में तो यहाँ पर ये क्या होंगे सारे बॉन्ड शिफ्टिंग होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजोनेंस के अंदर अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर कि इन केस ऑफ ए सब्सिट्यूटेड एनिलीन, इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से हमारे पास मिथोक्सी और मिथाइल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ये बेसिकली क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को याद रखना इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेयर एज इलेक्ट्रॉन वे ड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ड्राॅइंग ग्रुप कौन से हैं नाइट्रो उसके बाद सल्फोनाइल उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सलिक और एक्स ये डिक्रीज कर देते हैं किसको बेसिकली डिक्रीज करेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब सबसे पहले आपने सीरीज लर्न कर लेनी है बेसिकली यदि बात करें बच्चों तो अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ तो ये आपको ये ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपने इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डाला है तो हम देखेंगे यहाँ पर देखो ये हमारे पास इथाइल सब्सटीट्यूटेड ग्रुप पड़ा है यहाँ पर हमारे पास एराइल भी है अब इस केस में ये ये हमारे पास क्या है दिस इज़ ए सेकेंडरी इथाइल सब्सिट्यूट ग्रुप तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसको डालेंगे इसको सेकेंड पोजिशन हमारे पास फिर किसकी आएगी हमने अभी जस्ट किया था इथाइल के अंदर फिर हमारे पास ट्रसरी की अब यहाँ ट्रसरी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा हमारे पास तो क्या फिर किसका नंबर आएगा प्राइमरी का तो फिर हमने क्या डाल दिया सी डाल दिया यहाँ पर थर्ड नंबर हमारे पास फिर किसका आएगा एरोमेटिक के साथ एलिफेटिक पढ़ा तो सी सिक्स एच फाइव सी एच टू एन एच टू आ जाएगा फिर उसके बाद बच्चों किसका नंबर आएगा एमोनिया का और एमोनिया के बाद लास्ट में नंबर किसका आएगा हमारे पास आरोमेटिक एमाइन का जिसका एनोलिन है तो ऐसे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इनको आपने डालना है सेकेंड भी सेम एज इट इज़ है हमारे पास सी टू एच फाइव एन एच टू दे दिए यहाँ पर सी टू एच फाइव का टू आइस एन एच ये सेकेंडरी है ये हमारे पास प्राइमरी ये हमारे पास ट्रसरी इथाइल एमाइन है ये हमारे पास है एनलिन अब इसमें आपने क्या डालना है बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डालना है तो सबसे पहले हमारे पास सेकेंडरी उसके बाद ट्रसरी उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद एरोमेटिक वाला तो ये बिल्कुल जो मैंने अभी आप आपको बताया बेसिक स्ट्रेंथ वो आपने लर्न कर लेनी है नेक्स्ट हमारे पास सी वाला भी सेम केस है अब ये मिथाइल सब्सिटीट्यूटेड ग्रुप है अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा सेकेंडरी तो सेकेंडरी कौन सा पड़ा है यहाँ पर ये सी एस थ्री एन एच उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा प्राइमरी का तो सी एस थ्री एन एच टू उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा बच्चों जो हमने पीछे किया था ट्रसरी का तो ये हमारे पास सी एस थ्री एन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर आएगा यहाँ पर एरोमेटिक के साथ एलकाइल ग्रुप तो इसका नंबर आएगा फिर उसके बाद इसका ठीक है ना डन है ये उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वाली कि अल्काइलेशन कि एनालीन अंडर गो एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद ए अल्काइल हेलाइड जो एनालीन है वो अंडरगोस करेगा किसको बेसिकली एल्काइलेशन ऑन ए रिएक्शन विद किसके साथ अल्काइल हेलाइड के साथ तो हमारे पास हम क्या लेके चले इस रिएक्शन के अंदर दिस इज एथाइल एमाइन ये हमारे पास है सी एस थ्री सी टू एन एच टू अब इसमें हमने क्या डाल दिया यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड सी एस थ्री सी एस टू बी आर डाल दिया अब इस केस में हमारे पास क्या निकलेगा एच यहाँ से बेसिकली और बी आर यहाँ से तो एच बी आर बाहर निकला और यहाँ से सिर्फ क्या रह गया सी एस थ्री सी एस टू का टू टाइम्स और एन एच रह गया तो ये हमारे पास बन गया डाई इथाइल एमाइन अब इसकी रिएक्शन फर्दर फिर किसके साथ कर दी हमने अल्काइल हेलाइड के साथ मतलब यहाँ पर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है तो यहाँ से फिर बी आर और यहाँ से क्या निकलेगा बेसिकली बच्चों एच तो एच बी आर बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर ये यह ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया सी एस थ्री सी एस टू का थ्राइस और ये दिस इज़ ए ट्राई इथाइल एमाइन फर्दर फिर, फिर रिएक्शन किसके साथ कर दी हमने यहाँ पर यहाँ पर दिस इज़ ए इथाइल ब्रोमाइड के साथ तो किसकी फॉर्मेशन आई यहाँ पर फिर अब टेट्राइथाइल एमोनियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन आ गई नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ एरोमेटिक के अंदर भी यही रहेगा तो एनालिन लेके चले उसमें हमने सी एस थ्री आई डाल दिया दिस इज हमारे पास क्या है आइडोमिथेन इसको हीट किया तो यहाँ से एच रिप्लेस हुआ तो हमारे पास क्या बन गया सी एन एच और सी एस थ्री और उस केस में एच आई बाहर निकल गया तो एन हमारे पास मिथाइल एनोलिन बन गया फर्दर इसको आपने फिर किसके साथ हीट कर दिया एल्काइल के साथ एल्काइल हेलाइड के साथ तो हमारे पास क्या बना एन और सी एस थ्री का टवाइस और दिस इज एन एन डाई मिथाइल एनालीन फिर हीट किया लास्ट में तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर ट्राई मिथाइल एनालीन आयोडाइड ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आ गई थर्ड है हमारे पास एसाइलेशन ऑफ एनालिन अब इस केस में हम बेसिकली क्या बात करेंगे बच्चों देखिए ध्यान से कि हम एसाइलेशन कर रहे हैं एमाइंस की तो एमाइंस हमारे पास क्या है यहाँ पर एनाली एनालीन के अंदर हम जो रिएक्शन करा रहे हैं आप किसके साथ कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एसिटाइल क्लोराइड का सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एल अब इस केस में आप फॉर्माइल क्लोराइड भी ले सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं एसेटिक एन हाइड्राइड भी ले सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी प्राइडिन की प्रेजेंस में तो यहाँ से हमारे पास सी एल और इधर से क्या निकलेगा एच तो एच सी एल बाहर निकलेगा और एन एच के साथ हमारे पास सी ओ सी एस थ्री ग्रुप अटैच हो जाएगा अब इस केस में ये क्या बन गया हमारे पास बेंजीन के ऊपर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री अब इसका आयु पेशी नेम हमारे पास क्या होगा दिस इज ए एन एन पे क्या पड़ा है फिनाइल और ये हमारे पास कार्बन दो है तो क्या लिखोगे इसको इथेन एमाइड और वैसे कॉमन नेम क्या लिखोगे आप इसको दिस इज ए एस्टेलाइड ये हमारे पास बन गई एस्टाइलेशन ऑफ ए एमाइन वाली रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पर एनोलिन की एसिटिक एंड हाइड्राइड के साथ तो एसिटिक एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सी एस थ्री सी ओ का ट्वाइस और उसके बाद ब्रैकेट से ऑक्सीजन अब इसको हम बेसिकली खोल के लिख देते हैं सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद ओ फिर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री दिस इज एसिटिक एंड हाइड्राइड अब इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हमारे पास तो यहाँ से ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ एन के साथ तो बेंजीन के साथ एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो ये हमारे पास क्या बन गया दिस इज एन फेनाइल हमारे पास इथेन एमाइल प्लस क्या निकलेगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ क्या आ गया यहाँ से एच तो हमारे पास इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकल जाएगी नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है बेंजोइलेशन ऑफ ए एनलोन अब इसको हम स्कॉट बॉमन रिएक्शन कहते हैं नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है तो हमारे पास बेंजोइलेशन ऑफ ए एमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए किसके प्रेजेंस में करेंगे एन एच के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं स्कॉट बॉमन रिएक्शन कहते हैं तो हम इस केस में देखिए बच्चों क्या लेके चले बेंजे एमाइन जिसको हम एनोलिन कहेंगे बेंजीन के ऊपर एनएच टू ग्रुप किसके साथ रिएक्शन करा दी यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ सी सिक्स एच फाइव सी ओ सी एल तो यहाँ से हमारे पास H और इधर से क्या निकलेगा सी एल तो हाँ उसके बाद क्या बचा सी ओ सी सिक्स एच फाइव ये यहाँ पर अटैच कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया पे फिनाइल और ये दिस इज है बेंजे एमाइड ये हमारे पास क्या बन गया बेंजे एमाइड प्लस एच सी एल बाहर निकल गया तो ये रिएक्शन हमारे पास रहेगी स्कॉट बोमन रिएक्शन नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली नेम रिएक्शन है कार्बलेमाइन रिएक्शन जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं वो ए प्राइमरी एमाइन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इस चैप्टर के अंदर है ये आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर ए प्राइमरी एमाइन तो इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे सबसे पहले कि ऑल एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद किस के साथ रिएक्ट कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ तो सी एच सी एल थ्री ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए इथेनोलिक क्यू एच अब ये एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर क्या लेके चलेंगे क्यू एच लेके चलेंगे टू फॉर्म इज ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड तो हमारे पास फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन मिलेगी जिसको हम कार्बलेमाइन रिएक्शन कहते हैं तो प्राइमरी अमाइन हमने लिया आर एन एच टू प्लस उसमें क्या डाल दिया हमने यहाँ से दिस इज ए हमारे पास है क्लोरोफॉर्म अब क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री प्लस एल्कोहलिक फॉर्म में थ्री क्यू एच अब इसको जैसे ही हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा आर एन और उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाएगा दिस इज ए आइसोसाइनाइड ये हमारे पास फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन आ गई प्लस थ्री के सी एल बाहर निकलेगा प्लस थ्री मोलिक्यूलोपे वाटर तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेसिकली जो प्राइमरी एमाइन और प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर बेसिकली फिफ्थ वाला कि रिएक्शन विद ए नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हमारे पास है एच एन ओ टू कि प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विद ए नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू की टू फॉर्म इज ए अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट ये किसकी फॉर्मेशन देगा हमें डाइजोनियम साल्ट की एज ए इंटरमीडिएट कि विच इज ए हाइड्रोलिस फ्रॉम ए एल्कोहल अब देखो बच्चों हम क्या लेके चले यहाँ पर प्राइमरी अमाइन लेके चले आर एन एच टू अब इसमें हमने क्या मिला दिया इसके अंदर एच एन ओ टू नाइट्रस एसिड किसकी प्रेजेंस में एन ए एन ओ टू एच सी एल के साथ तो हमारे पास क्या पर क्या बन गया यहाँ पर दिस इज ए डाइजोनियम साल्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो बेसिकली अनस्टेबल है अब इसकी यदि फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास आर ओ एच बनेगा प्लस एन टू बाहर निकलेगा प्लस एच सी एल बाहर निकल जाएगा तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है अब इसको ध्यान से समझिए बेसिकली कि जो नाइट्रस एसिड हमारे पास है एच एन ओ टू इज प्रपेयर इन ए सी टू सी टू का मतलब क्या होता है हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है जो इंटरमीडिएट जो अंदर ही प्रपेयर होता है यूजिंग ए एन ए एन ओ टू एंड एच सी एल अब एन ए एन ओ टू लेके चले प्लस एच सी एल लिया हमने तो हमारे पास क्या बना यहाँ से एन ए सी एल प्लस एच एन ओ टू बना अब जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करा दिया हमने यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ कि इन ए आइस कोल्ड कंडीशन आइस कोल्ड कंडीशन का मतलब हमारे पास 273 से लेकर 278 सेवेंटी टू फॉर्म इज ए डाइजोनियम साल्ट अब ये बेसिकली जो रिएक्शन है जिसको हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ये ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं तो एनोलिन के अंदर हमने एन एनओ टू प्लस एच सी एल ले लिया टू सेवेंटी थ्री से लेकर टू सेवेंटी एट कैलविन तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल नेगेटिव प्लस एन ए सी एल निकलेगा प्लस वाटर मोलिक्यूल तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट इज ए स्टेबल ये बेसिकली क्या है स्टेबल है ड्यू टू द रीजन क्या दो इसका रेजोनेंस अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्स वाली रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन विद रॉयल सल्फोनाइल क्लोराइड अब सबसे पहले आप जानोगे कि बेंजिन सल्फोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि सी फाइव टू उसके बाद सी एल कि विच इज नॉन एज इसको हम क्या बोलते हैं हाइजन बर्ग रेजेंट कहते हैं कि रिएक्ट विद ए प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन टू फॉर्म इज ए सल्फन एमाइड ये किसकी फॉर्मेशन देगा सल्फन एमाइड की फॉर्मेशन देगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अब इसके अंदर प्राइमरी एमाइन हमारे पास प्राइमरी एमाइन क्या है आर एन एच टू अब इसमें हमने क्या डाल दिया बेंजीन सल्फन ऑयल क्लोराइड बेंजीन के साथ एस डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ ये सी एल है तो यहाँ से सी एल हमारे पास और इधर से क्या निकलेगा एच तो ये एच बाहर निकल गया तो बेंजीन के साथ सेम चीज़ वही एस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे है उसके साथ क्या लगा दोगे एनएच और आर बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एन एलकाइल सल्फन एमाइड इज़ चीज़े सोलेबल इन एल्कलीज ये बेसिकली सोलेबल है किसके अंदर एल्कलीज के अंदर सेकेंड्री हमारे पास कि सेकेंडरी एमाइन इन दिस रिएक्शन विद ए सेकेंडरी एमाइन तो उसमें किसकी फॉर्मेशन देगा एन एन डाई अल्काइल सल्फोन की फॉर्मेशन आएगी अब उसकी रिएक्शंस भी देखिए आप तो ये हमने क्या लिया यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन लिया तो इसमें हमने क्या डाल दिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जिसको हम हाइजन वर्ग रेजेंट कहते हैं तो यहाँ से सी एल और इधर से एच रिप्लेस होगा तो हमारे पास एन और आर टू ग्रुप अटैच हो जाएगा इसके साथ तो ये हमारे पास क्या बन गया एन एन डाई अल्काइल सल्फोन एमाइड विच इज ए इनसोलेबल इन एल्कोलीज के ड्यू टू द अब्सेंस रीजन क्या दोगे अपसेंस किसके यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन की अब्सेंस है नेक्स्ट हमारे पास यदि ट्रसरी अमाइन की बात करें तो ये हमारे पास ट्रसरी अमाइन है तो उसमें हमने क्या डाल दिया बेंजिन सल्फोनाइल क्लोराइड तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी तो रिएक्शन का रीजन क्या है यहाँ पर भी क्या है ऑफ ए एसिडिक हाइड्रोजन तो इस केस में कि दीज डेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हैज़ बिन रिप्लेस बाय किस को रिप्लेस कर रहा है ये पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड को अब उस केस में नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सेवन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन अब इसके अंदर कि रेजोनेंस ऑफ ए एनालीन इज ए बेसिसिटी ऑफ ए अमाइंड टॉपिक जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे आपने जो चेस्ट चेक किया था कि रेजोनेंस ऑफ ए एनालीन अब इस केस में जो एन एस टू ग्रुप है सोच किसको शो सो करता है प्लस आर इफेक्ट को एंड एक्टिवेट द बेंच रिंग ऑफ ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन और एक्टिवेट करेगा बेंच रिंग को फॉर किसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के लिए एंड डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल की पोजिशन डायरेक्ट कहाँ पर जाएगी और तो एंड पैरा पोजिशन पर एनएस टू ग्रुप एक्टिवेट द रिंग टू ए ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ किस से ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट है ग्रुप OH से बिकॉज नाइट्रोजन है दिस इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर ऑफ ए ऑक्सीजन अब इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन अब ब्रोमिनेशन वाली काफी इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है कि एनालिन रिएक्ट विद ए ब्रोमिन वाटर एनालिन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ब्रोमिन वाटर के साथ एट ए रूम टेम्परेचर टू गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट तो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगी टू फोर सिक्स ब्रोमो एनालिन की फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो देखिए इसके अंदर हम क्या लेके चले एनालिन इसमें हमने क्या डाल दिया ब्रोमिन वाटर ठीक है ना ब्रोमिन वाटर की प्रेजेंस में थ्री मोलिक्यूल ब्रोमिन के ले लिए तो पोजीशन कहाँ पर गई टू फोर सिक्स पे तो हमारे पास क्या बन गया टू फोर सिक्स ब्रोमो एनालिन दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट प्लस क्या निकला एच अब दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट तक किसकी डिटेक्ट बताती है प्रेजेंस ऑफ एनोलिन की अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनोलिन कन्वर्ट इन टू ए फोर ब्रोमो एनोलिन एनोलिन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप फोर ब्रोमो एनोलिन के अंदर कि टू फॉर्म इज ए मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट एक्टिवेशन ऑफ ए बेंजिन रिंग इज डिक्रीज बाय द एस्टाइलेशन ऑफ ए एनोलिन अब एनालिन लेके चले बेसिकली बच्चों और किस में कन्वर्ट करना है आपने इसको फोर ब्रोमो एनालीन के अंदर तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर एन टू ग्रुप तो क्या डाल दिया इसके अंदर एसिटिक एन हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा बेसिकली यदि बात करें तो एच हमारे पास यहाँ से एच निकल रहा है और यहाँ से हमारे पास एक सी एस थ्री सी ओ वो वाला ग्रुप निकलेगा तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा एन के साथ सी थ्री तो ये हमारे पास एन के साथ सी ओ थ्री दिस इज एस्टेलाइड अब इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी फर्दर बी टू और उसके साथ एसिड तो बीआर की पोजिशन कहां पर आ जाएगी पैरा पे ग्रुप सेम रहेगा फर्दर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा तो एन एस पर बन जाएगा तो दिस इज ए फोर ब्रोमो एनलिन की फॉर्मेशन आगे काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है अब इस केस में समझ लीजिए आप इसको कि बाई एस्टाइलेशन ऑफ ए एनलिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन आइटम आर ए लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन ऑफ ए बेंच रिंग बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कंजुगेट सिस्टम विद ए सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो हमारे पास ये हमने जो बनाया था एस्टने लाइट तो यहाँ पर क्या है लॉन्पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से बेसिकली डबल बॉन्ड करैक्टर शो करेगा पर यहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनालीन इज नॉट प्रेफर्ड कि जो डायरेक्ट नाइट्रेशन कभी भी नहीं होती एनोलिन के केस में क्यों नहीं होती रीजन क्या दोगे कि कंसनट्रेट एच एनो थ्री इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बेसिकली क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मोस्ट एनोलिन गेट ऑक्सीडाइज जो किसमें कन्वर्ट कर देगा ये डायरेक्ट ही बेंजोक्विनोन के अंदर अब यहाँ से बेसिकली जो एनोलिन है गेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोक्विनोन के अंदर जिसको हम डार्क कलर सब्सटांस कहते हैं कि बींग इज एसिडिक एच एनओ थ्री हमारे पास एसिडिक एच एनो थ्री है प्रोवाइड क्या करेगा एच पॉजिटिव आइंस एच पॉजिटिव आइंस देगा हमारे पास और एनो थ्री नेगेटिव निकल जाएगा एंड चेंज एनोलिन इन टू ए में चेंज कर देगा ये बेसिकली एनिलीनियम आइंस के अंदर तो एनाली हमारे पास एच पॉजिटिव के साथ करते हैं तो क्या बन गया एनिलीनियम आइंस बेंजीन के ऊपर एनएच थ्री पॉजिटिव अब इस केस में आपने समझना है कि जो एनोलिनियम आयंस इज ए लेस स्टेबल देन ऑफ ए एनालीन बिकॉज एनालीन कैन बी रिटर्न इन ए डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो एनालीन क्या शो करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है बट जो हमारे पास क्या निकल के है एनिलीनियम आयंस बिकॉज ऑफ ए नाइट्रोजन डू नॉट हैव ए वैकेंट इसके अंदर कोई भी वैकेंट टू डी ऑर्बिटल नहीं होगा इट कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ ए फाइव बॉन्ड ये तो फाइव बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं दे सकता अब इसी के अंदर नाव एनएस थ्री पॉजिटिव ग्रुप कैन बी डायरेक्ट नाइट्रोनियम आयस इन ए मेटा पोजिशन तो वो पोजिशन कहाँ पर जाएगी बेसिकली मेटा के ऊपर की हैंज द डायरेक्ट नाइट्रेशन वी गेट द मिक्सचर ऑफ ए वेरियस प्रोडक्ट तो किसका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे नाइट्रेशन के अंदर सो इट इज़ नॉट प्रेफर्ड तो इसको हम इसलिए प्रेफर नहीं करते तो डायरेक्ट ही हमने क्या लिया बेसिकली बच्चों रिएक्शन को देखिए एनालिन हमारे पास बेंजीन के ऊपर एन एच टू ग्रुप कंसनट्रेट एच एन ओ थ्री डाला तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर कौन चाहिए से आए सबसे पहले बेंजोक्विन बेंजीन है यहाँ पर ये यह दो बॉन्ड है सिर्फ इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो बेंजोक्विन प्लस नाइट्रो की पोजीशन एक बार हमारे पास ऑर्थो पे आई टू परसेंट ऑनली एक बार कहाँ पर आई पैरा पे नाइट्रो की पोजीशन तो फिफ्टी वन परसेंट और एक बार मेटा पे आई तो फोर्टी सेवन परसेंट नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालिन कन्वर्ट इंटू ए फोर नाइट्रो एनालिन अब इस केस में एनालिन लेके चले इसमें हमने एसिटिक एनहाइड्राइट डाल दिया प्राइडिन के प्रेजेंस में तो यहाँ से हमारे पास एच रिप्लेस होगा और सी ओ सी एस थ्री ग्रुप अटैच हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे एस्टेलाइड अब इसकी रिएक्शन फर्दर आपने किसके साथ कर दी एच एनओ थ्री एस टू एस ओ फोर के साथ तो एनओ टू ग्रुप हमारे पास कहाँ पर आएगा पैरा पोजिशन पर तो क्या लिखोगे पैरा नाइट्रो एस्टेनेलाइड अब इसकी रिएक्शन फर्दर एच पॉजिटिव के साथ कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से सी ओ सी एस थ्री ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये एन एस टू ग्रुप बन जाएगा दिस इज ए पैरा नाइट्रो एनालिन। नेक्स्ट है इसके अंदर सल्फोनेशन बच्चे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एनालिन बींग इज ए बेसिक रिएक्ट विद ए कंसंट्रेटेड एस टू एसओ फोर टू फॉर्म इज एनालिनियम हाइड्रोजन सल्फेट कि दिस इज फर्दर हीटिंग ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड एट ए 453 से लेकर 473 सेवेंटी थ्री कैलविन प्रोड्यूज एक इसकी फॉर्मेशन देगा सल्फेनिक एसिड की जिसको हम बेसिकली पैरा अमीनोबेंजिन बोलेंगे अब इस केस में और वह आगे एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म के अंदर जुइट्राइंस के अंदर और जुइट्राइंस बेसिकली आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसमें क्या होते हैं आयंस एक्सचेंज होते हैं अब एनोलिन लेके चले कंसनट्रेट एस टू एसओ फोर डाल दिया तो हमारे पास ये क्या है बेसिक नेचर में ये हमारे पास है एसिडिक तो साल्ट की फॉर्मेशन देगा तो यहाँ से एच पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा तो एनएस थ्री पॉजिटिव एच एसो नेगेटिव अब इसको एनुलनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ कर दी टेम्परेचर फोर फिफ्टी थ्री कैलविन से लेकर फोर सेवेंटी थ्री कैलविन तो हमारे पास एसओ थ्री एच ग्रुप कहाँ पर आ जाएगा पैरा पोजिशन पर तो ऊपर रह गया एनएच टू तो हमारे पास क्या बन गया सल्फेनिक एसिड अब इस केस में यहां

कि विद एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री के साथ क्योंकि जो हमारे पास एन हाइड्रस एल सी एल थ्री होता है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है अब ये बेसिकली लुइस एसिड होगा और हमारे पास एनालिन होगा वो बेसिकली लुइस बेस होगा अब ये किसकी फॉर्मेशन आ गई साल्ट की तो एन एच टू पॉजिटिव ए एल सी एल थ्री नेगेटिव अब इसका रीज़न क्या लिखोगे आप कि ड्यू टू द सोल्ट फॉर्मेशन जो हमारे पास इस सॉल्ट की फॉर्मेशन बनी कि नाइट्रोजन एनॉलीन एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया पॉजिटिव चार्ज हैंस एक्ट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और ए फर्दर रिएक्शन के लिए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो ये थी हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर आपके लिए लेके आएंगे बाय